सो यो व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। फिलहाल मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था एक स्टोरी कि मुझे डेयर दो, तो सबने मुझे बहुत अजीब अजीब से डेयर दे रखे थे, तो उनमें कुछ मैंने 15-16 डेयर निकाले। तो आज अपने को करने 15-16 डेयर, ठीक है, पूरे करेंगे अपने 15-16 डेयर। और सबसे पहले डेयर देख लेते हैं क्या मिला है मुझे, ठीक है। तो तुम लोगों को भी दिख रहा होगा यहीं कहीं, तो देख लो। तो ईट आइसक्रीम विद सॉस, ठीक है। तो ये तो किसी मेरे खरामी दोस्त ने दिया है, ठीक है डेयर। तो चलो इसे पूरा करते हैं। तो आइसक्रीम में पहले लिया था, चलो आज तो फिलहाल अपने पे यहाँ पे आइसक्रीम, ठीक है, और ये भी सॉस तो अभी कर लेते हैं। चीटिंग करता है तू। तुम लोगों ने जैसा बोला था कि ज्यादा डाल दिया, काफी ज्यादा डाल दिया मुझे लग रहा है, तो बट तुम्हारे लिए भाई थोड़ा सा और बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी है भाई, बहुत ही बुरी है। इससे खट्टा टेस्ट आ रहा है, उससे मीठा टेस्ट आ रहा है भाई। यार हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। छी भाई छी, इससे गंदी चीज मैंने आज तक नहीं खाई सच में, कसम से। मैं धो दूं, मेरा मन कर रहा है। अभी टेस्ट सही आ रहा है। सो गाइस अभी अपना पहला प्रैंक हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। इतना गंदा मेरा मुंह का टेस्ट पूरा खराब हो गया, ठीक है। बट अभी दूसरा प्रैंक देखते हैं। कॉल योर फ्रेंड एंड प्रैंक हिम बाय सेइंग यू लॉस्ट समथिंग प्रीशियस एंड व्हेन ही आस्क व्हाट इट इज सेल दैट इट्स 5 rupees। ओ व्हाट इट इज सेल इट्स 5 rupees। अच्छा तो मैं अभी अपने दोस्त को कॉल करूंगा और उसे बोलूंगा मेरा भाई कुछ महंगी चीज़ खो गई है। बट जब वो पूछेगा कि भाई क्या है, मतलब क्या कितना महंगा खोया है, तो मैं बोलूंगा उसे भाई उसे 5 rupees का था। अभी कॉल जा रही है उसको। हेलो, हाँ भाई क्या कर रहा है? अच्छा अबे मैं क्या कह रहा हूँ यार, भाई मेरी एक ना बहुत महंगी चीज़ खो गई यार। क्या 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 खो गया? बे यार भाई तू एक तू है कहाँ पहले ये तो बता। मैं बस यहीं आ रहा हूँ, मतलब यहीं पे आ रहा हूँ। कहाँ आ रहा है? अरे आ रहा हूँ यार, मत बोल बोल क्या क्या खो गया, तू कहाँ आया भी? मैं कुछ नहीं, मैं रूम में था। तू बता यार, मेरे कुछ महंगा खो गया यार। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। क्या खो गया? तू बता तो सही, तू है कहाँ पे अभी? मैं रूम में थी, रूम में आ गया, रूम में आ रहा हूँ। अच्छा कौन से रूम में? वे भाई मम्मी ये तो ये रूम में ही आ रहा है। हाँ भाई फोन ही कुछ ऐसी समझ ले, कुछ महंगा हो गया यार, तो जल्दी आ जा यार। कहाँ पे है, कहाँ पे तू अभी? अबे अभी ये रूम पे ही आ गया भाई, ये रूम पे आ गया। तू कहाँ रूम पे आ रहा है क्या? अबे भाई मैंने इसको कॉल करा, ये साला रूम पे आ गया। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ भाई। अच्छा था कुछ? हाँ 5 rupees का। अबे साल तो भाई मैंने अभी इसको कॉल करा, भाई अपना डेली का रूटीन यही रहता है, ठीक है। ये और मैं साथ में रहते हैं सुबह से ही, ठीक है। तो बस डेट भाई। सो गाइस अभी बढ़ते हैं अगले की ओर, ठीक है। अगला वाला था कि मोस्ट एम्बैरसिंग फोटो ऑफ योर फोन। तो मेरे फोन में तो ऐसी कोई मेरी फोटो है नहीं, क्योंकि मैंने अभी फ़ोन चेंज किया था, तो मेरे फ़ोन से तो सारी उड़ गई। बट मम्मी का फ़ोन है, तो मम्मी के फ़ोन में है मेरी फोटो एक एम्बैरसिंग। ये देखो नन्नू भाई, ये देखो, ये खुद हंस रहे हैं भाई इस फोटो पे। ये देख लो ये फोटो कैसी है, ये है मेरी मोस्ट एम्बैरसिंग फोटो, ठीक है, मम्मी के फ़ोन में। सो गाइस अगला है वेयर सारी एंडू रैम पॉक। तो सारी तो नहीं है मेरे पास, बट टॉवल है, तो टॉवल पहन के मैं रैम पॉक कर सकता हूँ। चलो कैसे पहनते साड़ी की तरह, ये तो छोटा है मुझे लग रहा है। ऐसे पहनते क्या? तो लंगोट कैसे? ये तो ऊपर तक भी नहीं जा रहा भाई, ये तो छोटा हो रहा है। चलो भाई अगले पे बढ़ते हैं। डू 30-20 पुशअप, ठीक है। चलो फिर देखते हैं कितना कर पाते हैं। भाई थोड़ा मुश्किल हो गया।
हो गया गाइस, हो गया, अगले में पढ़ते हैं। सो गाइस अगला डेयर दिया है, ईट लेमन विदाउट गिविंग एनी रिएक्शन, करते हैं इसे भी, ठीक है। ईट लेमन विदाउट गिविंग एनी रिएक्शन लाइक अ सिग्मा चाय। A few minutes later. हो गया खत्म भाई, पूरा चबाया है, प्रॉपर देख लो, बाइट्स देख लो। ASMR भी आया भाई, ASMR। ऐसे मैं लव बाइट भी दे देता हूँ। नॉटी हो रहा के, हैं? नॉटी हो रहा। अगले डेयर है, कॉल अ अननोन पर्सन एंड से यू आर इडियट, ठीक है। तो मुझे किसी को अननोन किसी को कॉल कर देना है, ऐसी नंबर डायल करके, और उससे कहना है कि भाई तुम पागल हो। पागल है क्या? ठीक है, तो अभी करते हैं फिर। सबसे पहले नंबर लिखते हैं, 8 से शुरू करते हैं, ठीक है। मेरा नंबर 9 से है, बट 8 से शुरू करते हैं। 8 9 7 9 7 कुछ भी डाल देते हैं भाई, देख लो कुछ भी डाला जा रहा हूँ मैं। अगला नंबर तुम कुछ बता, तू कुछ बता दे। मेरा तो लक्की नंबर 6 है भाई, 62 डाल दे। चल 62, चलो भाई 62 कर दिया ऐड। तू बता कुछ भी, तू भी बता दे, रैंडम बता दे कुछ भी जो तेरे दिमाग में आ रहा है। चल चलो लो 3 तुम पागल हो भाई, अगर किसी लड़की को लग गया कॉल तो मजा आ जाएगा, ये तुम पागल हो। पास आ जा। हेलो हेलो, कौन हो भाई तुम? कौन नाम तो बता भाई, तुम पागल हो? हाउ मच पागल? वेरी मच पागल। हां पागल, तुम पागल हो भाई, तू होगा पागल। अच्छा अच्छा चलो ठीक है भाई, बाय बाय भाई। कितना प्यारा भाई था भाई, मैंने बोला तुम हो पागल, लोग कह रहा तू होगा पागल, तू होगा पागल, मैं पागल तू पागल, तू पागल मैं पागल। ओए भाई ये तो सही था। हाउ मच पागल? वेरी मच पागल। बट आगे जाके नहीं बचेगा, इस पे भी प्रैंक करेंगे, बट अगर इस वीडियो पे 200 लाइक का एम करते, 200-250 लाइक का एम करते, 250 लाइक अगर होंगे तो इस पे प्रैंक करेंगे, ठीक है। इस पे प्रैंक करेंगे बढ़िया वाला। अगला है, गो एंड प्रपोज योर गर्ल बेस्ट फ्रेंड। तो मेरी गर्ल बेस्ट फ्रेंड यार लगभग 8th से मेरी एक ही गर्ल बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। वो भी एक काइंड ऑफ भाई बहन जैसी है मेरी, बट मेरा सारा काम करती है, असाइनमेंट आज तक मैंने कुछ नहीं बनाया, ठीक है, मैं उससे बनवा देता हूँ, तो कॉल करते हैं उसे, ठीक है। चल वैसे और भी हैं, ठीक है, तो अभी इसको कॉल करते हैं और प्रपोज करते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ पता चल गया ना कौन बोल रहा है? हाँ ठीक है। अरे सुन, मैं ना तुझसे कुछ कहना चाह रहा था, हाँ काफ़ी टाइम से, कि आई लव यू। हाँ प्रैंक नहीं चल रहा? नहीं भाई, तू सच 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 में लग रहा है तू प्रैंक चल रहा है? कैसे? तो तू ही बची, तू ही बची होगी, मेरी एक लौती गर्ल बेस्ट फ्रेंड है। चल ठीक है, इससे तो गाइस पता चल गया कि मैं प्रैंक कर रहा था इस पे, ठीक है। हाँ भाई प्रैंक ही चल रहा था, ठीक है। मैं तो तुझे उसके लिए कॉल कर रहा था, मेरा असाइनमेंट बनाने के लिए। अच्छा, जो तू हमेशा ही बनाती है। ठीक है, क्या है? बताऊँगा, कॉलेज का असाइनमेंट बनाएगी तुझे। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ओके भाई। ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट सब बना देती है मेरे। कॉपीज भी पूरी कर देती है भाई मेरी। मैंने कॉपीज एक भी नहीं बनाई थी 12th में, कुछ कुछ इस पे दे दी थी, कुछ कुछ मैंने ऐसी कर दी, मतलब दाएं बाएं कर दिया। सो अगला डेयर है, प्रपोज योर क्रश। तो मेरी ऐसी कोई क्रश है ही नहीं, ना ही मेरी स्कूल में रही। मैं तो झूठ पे झूठ तेरी मां की। स्कूल में थी मेरी एक क्रश, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कौन से स्कूल में थी, बट उसका है भाई पहले से उसका बॉयफ्रेंड है, तो मैं नहीं कर सकता कॉल, मेरे पे नंबर भी नहीं है उसका। ऐसी कोई क्रश नहीं है भाई। अगले पे चलते हैं, स्लैप योर मदर एंड देन से आई लव यू माय स्वीट स्वीट मॉम। सो फिलहाल ये ऐसे रहेगा जैसे ये गेम खेल रहा है, और मैं अपनी मम्मी को लेके आता हूँ, ठीक है। रुको, क्या है? चलो कुछ नहीं भाई, इतना तेज थप्पड़ नहीं मारा था, बट मम्मी को तो कुछ वो ही नहीं हुआ, शायद पता लग गया था मैं प्रैंक करने वाला था, ठीक है। तो मैंने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया, तुम्हारा क्या है?
बढ़ते अगले प्रैंक की ओर। सो गाइस अपना अगला डेयर है कि किसी से रास्ता पूछो और उसके अपोजिट वे में चले जाओ। उसने बोला अगर लेफ्ट जाना है तो उसके राइट चले जाओ। सीधे चले जाओ, ऊपर एक चौरा है ना वहाँ पे। अच्छा मेला होता था, मेले के किनारे किनारे जाते हैं और टंकी है, टंकी से इधर इधर मुड़ करके। अच्छा ग्राउंड में आओगे, ग्राउंड में इधर इधर मुड़ करके टाइम करता हूँ। दिवाली 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 इधर चले जाना। अच्छा मतलब सीधे जाऊंगा यहाँ से, सीधे रास्ता है। ठीक है अंकल, मैं कहीं ना मुड़ना है। ठीक है ठीक है, तुम पागल है क्या? अबे तुम अंकल जी ठीक है भाई। अंकल जी को प्रैंक कि मतलब किससे रास्ता पूछो वो बताएंगे, सीधा तो तुमने लेफ्ट चल जाना है, कहीं दाएं बाएं हो जाना है। तो अबे कैमरा लग रहा है ना, तो डू हेलो किटी डांस ऑन रोड। नहीं भाई, नो नो नहीं, मतलब तुम्हें लगा कि मैं व्यूज के चक्कर में इतना गिर जाऊंगा कि मैं रोड पे डांस करूंगा हेलो किटी वाला? बस करो, बस करो। करते रहे। वो भैया रुके, वो कह रहे कहाँ जाना है। अच्छा मैं डांस कर रहा था। चलो भाई हो गया। सो ऑलराइट गाइस, हमने सारे की सब कुछ कर चुका है, सारे डेयर पूरे कर चुके हैं जो जो तुमने बोला था। लास्ट डेयर बचा है कुका मील फॉर अ मोम। ओ सॉरी फॉर अ मोम, एक ही होती है भाई सबकी मोम, एक ही होती है कुका मील फॉर मोम। ठीक है तो ये रही अपनी मम्मी, मम्मी के लिए कुछ मील। तो मम्मी तो वैसे सब कुछ ही खा जाती है, तो दिमाग भी खा जाती है मेरा। तो मतलब देखते हैं मम्मी के लिए क्या बना सकते हैं। मेरे को कुछ बनाना आता है, क्या क्या बनाना आता है? कुछ भी नहीं आता मुझे, कुछ बनाना नहीं आता। ठीक है पर मैं क्या बना सकता हूँ, फिर भी मैं कुछ ना कुछ मील मम्मी के लिए तैयार करता हूँ। चल तो कुछ ना कुछ मैं बताता हूँ, क्या ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, चटनी रोटी भाई, चटनी रोटी खाएगी मम्मी। चटनी चाय बनानी आती है, चटनी रोटी भी तो खा ही सकते हैं, चटनी रोटी भी तो मील होती है। चलो लो मम्मी, चपाती खा रही मैं। चटनी रोटी, चटनी रोटी भी तो मील होती है, खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते। और चुपचाप से चटनी रोटी खाओ। तो चलो आज ही मैं खाऊंगा, आज ही मम्मी खाएगी। चटनी रोटी भी तो मील है भाई। देखो मेरे मम्मी खाई ना खाई, रोटी किसकी बनाई थी? मम्मी पे डिपेंड होता है। बक ए पकड़ लिया साड़ो, पकड़ रोटी तूने बनाई है अपने हाथ से, रोटी बना के दे जो भी है। छोड़ो अब मम्मी खाए ना खाए, मम्मी पे डिपेंड करता है, मैंने कर दिया पूरा। ठीक है नहीं लेते कह रही कहीं हेट ना पड़ जाए मेरे को कमेंट सेक्शन में। आता ऐसा कुछ भी नहीं बनाना, सिर्फ चाय बनानी आती है, वो बना नहीं रहा है मुझे। मैं को बनाता हूं, कभी नहीं आता। नहीं नहीं मैं को बनाता हूं। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतने, करते हैं वीडियो की समाप्ति, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।